स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस के अंदर हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन, एडवांटेज ऑफ फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शंस, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और रिकर्जन। ये वो चीज़ें हैं जो फंक्शंस के टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अब फंक्शन इज अ नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स सम एक्शंस। द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। द फंक्शन आर यूज्ड टू अकॉम्प्लिश द सिमिलर काइंड ऑफ टास्क अगेन एंड अगेन विदाउट राइटिंग द सेम कोड अगेन। द कंट्रोल मूव इन द फंक्शन व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। The functions provide a structured programming approach. It is modular way of writing programs. The whole program logic divided into a number of smaller module or functions. Okay, students, functions क्या होते हैं? फंक्शन एक सेट होता है स्टेटमेंट्स का, जिसको हम कोई नाम दे देते हैं। हम एक ब्लॉक बनाते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद उसको कोई नाम दे देते हैं। और प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में जब वो नाम लिखा जाता है उस ब्लॉक का, तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस ब्लॉक के अंदर, वो सब की सब एग्जीक्यूट हो जाती हैं। लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से और उसके अंदर मैंने दो नंबर्स को ऐड किया। प्रोग्राम में जब भी मैंने दो नंबर्स को ऐड करना होगा, मैं जस्ट ऐड का फंक्शन कॉल करूँगा और उसको वैल्यूज पास कर दूंगा। ऐड का फंक्शन क्या करेगा? उन दो नंबर्स को ऐड करेगा या उनका सम करेगा और हमें आउटपुट शो करवा देगा। स्टूडेंट्स, फंक्शन जो होते हैं वो रीयूजबिलिटी जो प्रोग्राम की होती है उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा एडवांटेज क्या है इस फंक्शंस के, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसी लेक्चर में हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस। अ प्रोग्राम में नीड टू रिपीट द सेम पीस ऑफ कोड एट वेरियस प्लेसेस। ओके स्टूडेंट्स, हम कोई इस तरह का फंक्शन बनाते हैं जो प्रोग्राम में मल्टीपल जगह पे इस्तेमाल होना है। ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगी या रिपीट होंगी। हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन के अंदर उन स्टेटमेंट्स को हम लिख लेते हैं। अब जहाँ पे ज़रूरत होगी हमें प्रोग्राम के अंदर, हम क्या करेंगे, जस्ट फंक्शन का नेम लिखेंगे, जिसको हम फंक्शन कॉल करना भी कहते हैं। हम जस्ट उसको कॉल करेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस होंगी जो बार बार रिपीट होनी थी, अब एक जगह पे वो स्टोर्ड हो गई हैं फंक्शन के अंदर। जस्ट हम उनको कॉल करते हैं और वो रिपीट होती जाती हैं, हमें बार बार वो कोड नहीं लिखना पड़ता। एक काम करने के लिए हमें हर दफ़ा वो कोड नहीं लिखना पड़ता। हम जस्ट एक दफ़ा फंक्शन में लिखते हैं या एक ब्लॉक बनाते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं
और उस नेम को कॉल करते जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। अब फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, इसका मकसद क्या है, इसके फायदे क्या हैं, अब हम वो देखते हैं। ईजर टू कोड। ओके, कोड करने में हमें आसानी हो जाती है जब हम फंक्शन बनाते हैं। अ लेंथी प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल फंक्शंस। अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे या छोटे छोटे उसके फंक्शन बना लेंगे। इट इज़ ईजर टू राइट स्मॉल फंक्शंस इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन लॉन्ग प्रोग्राम। आगे हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखें, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे से मॉड्यूल्स बना लेते हैं या फंक्शंस बना लेते हैं। फंक्शन इज रिटन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम होता है उसमें हर फंक्शन का कोई ना कोई मकसद होगा, किसी स्पेसिफिक चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो फंक्शन बनाया जाएगा। अ प्रोग्रामर कैन फोकस अटेंशन ऑन अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इट मेक्स प्रोग्रामिंग ईजर। जैसे हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखने चाहते हैं या एक कैलकुलेटर बनाना है हमने, हम क्या करते हैं, उसमें दो नंबर्स को सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और उनको माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग से उनके फंक्शंस बना लेते हैं। अब हम पूरा एक प्रोग्राम नहीं बनाते बल्कि उनके फंक्शंस बना के रख लेते हैं और जस्ट हम क्या करेंगे, उनको कॉल करते जाएंगे और वैल्यूज पास करते जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है ईजर टू मॉडिफाई। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम एंड इज रिटन एज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक। इफ देयर इज एनी एरर इन द प्रोग्राम द चेंज इज मेड टू पर्टिकुलर फंक्शन इन विच एरर एग्जिस्ट। अ स्मॉल फंक्शन इज ईजर टू मॉडिफाई देन अ लार्ज प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अगर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और उसके अंदर एरर आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो फंक्शंस होते हैं उनके नेम्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, इसलिए अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोग्राम के किस हिस्से में एरर आया है और इजीली हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ईजर टू मेंटेन फंक्शन आर ईजर टू मेंटेन देन लॉन्ग प्रोग्राम्स। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लाइंस का कोड है या प्रोग्राम बहुत बड़ा है तो उसको रीड करने में हमारे लिए मुश्किल है उसको रीड करना, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं और उनको नेम दे देते हैं। हमें बाय नेम भी पता चल जाएगा कि ये फंक्शन हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसको मेंटेन रखना या उसकी मेंटेनेंस करना हमारे लिए आसान हो जाती है। ईच फंक्शन कंटेन्स इंडिपेंडेंट कोड। अ चेंज इन फंक्शन डज नॉट अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। और अगर हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते भी हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे फंक्शन पे नहीं पड़ता। री यूजबिलिटी। द कोड रिटन इन फंक्शन कैन बी री यूज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम फंक्शंस किस लिए बनाते हैं, जब हमने इंस्ट्रक्शंस को
रीयूज करना हो। हमारा एक प्रोग्राम है और उसमें इंस्ट्रक्शंस बार बार रिपीट हो रही हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो बार बार रिपीट होती हैं। हम क्या करते हैं, उसका एक फंक्शन बना लेते हैं और जस्ट वो फंक्शन कॉल करते जाते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है। अब फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम्स। अ फंक्शन इज़ रिटर्न टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम वेन एवर द प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व द फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। जब कभी हमें एक तरह की प्रॉब्लम के लिए वैसे फंक्शन बनाए जाते हैं, लाइक कि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या कोई इस तरह का काम करना है। अब जब भी हमने दो नंबर्स को ऐड करना होगा, हम क्या करेंगे, जस्ट ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे और वो सिर्फ क्या होगा, उसमें उस फंक्शन में नंबर्स ऐड होंगे क्योंकि हमने उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उस ब्लॉक के अंदर हमने जस्ट दो नंबर्स को ऐड करने के लिए हैं। इसलिए जो फंक्शन होते हैं वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमने उसके अंदर दी होती हैं जस्ट उनको सॉल्व करते हैं। लेस प्रोग्रामिंग टाइम। ओके स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग टाइम किस तरह से कम हो जाता है अगर हम फंक्शंस बना के अपना प्रोग्राम रन करवाते हैं। लेट्स सपोज हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा डेवलपर हैं या प्रोग्रामर एक से ज़्यादा हैं। एक प्रोग्राम पे तीन बंदे काम कर रहे हैं। अब इस तरह से हो सकता है कि हम उस प्रोग्राम को डिवाइड कर दें और हर बंदा जो है वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करे और उनको फंक्शंस की फॉर्म में ले आए। अ प्रोग्राम में कॉन्सिस्ट ऑफ मैनी फंक्शंस। दीज फंक्शंस आर रिटन एज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स। डिफरेंट प्रोग्रामर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट फंक्शंस एट द सेम टाइम। फिर हम कैलकुलेटर की एग्जांपल लेते हैं। हमने चार तरह के ऑपरेशन करने हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और माइनस। हम क्या करते हैं, चार बंदों को अलग अलग फंक्शन दे देते हैं। एक बंदे को ऐड का, एक को मल्टीप्लाई करने का, एक को डिवाइड का और जो चौथा बंदा होगा हमारे पास उसको माइनस करने का। अब इससे क्या होगा, एक ही टाइम में वो चार के चार डेवलपर जो हैं वो एक ही चीज़ पे काम कर सकते हैं। इट टेक फार लेस टाइम टू कंप्लीट द प्रोग्राम। और एक बड़े प्रोग्राम को कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है। अगर एक डेवलपर पूरी एक एप्लीकेशन पे काम करता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर हम उसको डिवाइड करके फंक्शंस की फॉर्म में लिखते हैं तो टाइम कम लगता है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप ऑफ फंक्शंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली वी कैन डिवाइड फंक्शन इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। फंक्शन की दो टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फंक्शंस डैट आर बिल्ट इनटू पाइथन, दीज फंक्शंस आर रेडीमेड प्रोग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन के अंदर। जस्ट हम क्या करते हैं, उनकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं और उनको कॉल कर लेते हैं। इनकी फाइल्स पहले से पड़ी होती हैं पाइथन के अंदर। हम क्या करते हैं, ऊपर इंपोर्ट, इसको मॉड्यूल भी कहते हैं और लाइब्रेरी भी कहते हैं, जिनके अंदर ये फंक्शंस डिफाइन किए होते हैं।
जैसे हमने क्लास में फंक्शन पढ़ा था ऐड का, पावर का फंक्शन देखा था, उससे पहले हम क्या करते थे, एक मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते थे। अब वो फंक्शंस उस मैथ की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड थे, हम जस्ट वो इंपोर्ट करते थे लाइब्रेरी और फंक्शंस को कॉल कर लेते थे। जिस तरह का हमने टास्क परफॉर्म करना होता था उस तरह का फंक्शन हम कॉल कर लेते थे। तो ये जो फंक्शंस होते हैं इनको कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस डिफाइंड बाय द यूज़र देमसेल्व्स, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हैज़ अ यूनिक नेम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस ही हैं। वो फंक्शंस जो हम खुद से लिखते हैं, जिनकी डेफिनेशन हम खुद से करते हैं, उन फंक्शंस को हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। हम कोई इस तरह का काम करना चाहते हैं जो प्री डिफाइंड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, खुद से डिफाइन करेंगे और उस इंस्ट्रक्शंस को जो है कोई नेम दे देंगे, तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बन जाता है। क्रिएटिंग अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फंक्शन हम कैसे बनाते हैं? इन पाइथन अ फंक्शन इज डिफाइंड यूजिंग द डेफ कीवर्ड। डेफ या डिफाइन की शॉर्ट फॉर्म डेफ है। हम क्या करते हैं, डेफ का कीवर्ड यूज करते हैं, डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, कॉलन, फिर स्पेस या इंडेंटेशन, और उसके बाद जो फंक्शन होता है उसकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जो रिक्वायर्ड होती हैं हमें, वो लिखते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, फंक्शन को लिखने के लिए नेमिंग कन्वेंशन जो हमने वेरिएबल के लिए पढ़ी थी सेम वही है कि हम फंक्शन का नेम जो है वो किस तरीके से रखेंगे या कौन सा नेम होना चाहिए उसका, हम पहले वेरिएबल के लिए जो पढ़ चुके हैं सेम नेमिंग कन्वेंशन है इसके लिए भी। हम कोई कीवर्ड पाइथन का जो है, जैसे प्रिंट है, उसको एज अ फंक्शन नेम नहीं यूज़ कर सकते। इसी तरीके से जो बाकी कन्वेंशन हैं जो वेरिएबल्स के लिए पड़ी थी, वो सेम फंक्शन पे अप्लाई होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, डेफ का कीवर्ड, उसके बाद नेम, ब्रैकेट्स, कॉलन, और उसके बाद इंडेंटेशन और जो स्टेटमेंट्स थी उसकी हमने वो लिख दी। अब फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? टू कॉल अ फंक्शन यूज़ अ फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। हमने ऊपर एक फंक्शन बनाया डेफ माई फंक्शन, और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट दी प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। जब भी हमने ये चीज़ प्रिंट करवानी हो, हम जस्ट क्या करेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे प्रोग्राम के किसी भी हिस्से में। इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल करना। जैसे मैंने लिखा माई फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट्स, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स, इसको अपने एडिटर के अंदर एक दफ़ा रन करवा के देखते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस फंक्शन को अपने एडिटर के अंदर रन करके देखा। सबसे पहले डेफ का कीवर्ड, उसके बाद फंक्शन नेम, ब्रैकेट्स, कॉलन, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स या जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं
हमने वो लिख दिया और उसके बाद हमने फंक्शन को जस्ट कॉल किया, और आउटपुट में हमारे पास हेलो फ्रॉम अ फंक्शन प्रिंट हो गया। अगर इसको हम कॉपी करते हैं और अब फंक्शन को रन करके देखते हैं, तो हमारे पास जितनी भी इंस्ट्रक्शन इस फंक्शन के अंदर होंगी वो सब के सब एग्जीक्यूट होंगी और उनकी आउटपुट हमें शो होगी। अब इस फंक्शन को मैं दोबारा से कॉल करता हूँ, अब इसको रन करके देखते हैं। अब होता क्या है कि जब एक दफ़ा फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट होती हैं। जब दोबारा इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ बाय नेम, तो फिर से यही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। अब जितनी दफ़ा मैं इस फंक्शन को कॉल करता जाऊँगा उतनी दफ़ा ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रिपीट होती जाएंगी। अब अगर इंस्ट्रक्शन इस तरह की हैं जो प्रोग्राम में बार बार रिपीट होनी है, तो हम क्या करते हैं उसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं और जस्ट हम उसको कॉल करते हैं, बजाय कि हम इसके हम बार बार ये इंस्ट्रक्शंस लिखें। हम क्या करते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं, उसको एक नेम दे देते हैं और हम जस्ट उसको कॉल करते जाते हैं प्रोग्राम के जिस हिस्से में भी हमें उसकी ज़रूरत होती है। अभी अगर इसको मैं थर्ड टाइम भी कॉल करता हूँ तो एक दफ़ा और यही चीज़ प्रिंट होगी, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। और ये अब थ्री टाइम्स जो है ये प्रिंट हो गया हमारे पास। आज के इस लेक्चर में हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है फंक्शन की, एडवांटेज क्या है फंक्शन के, कोड करना जो है वो कितना आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है अगर हम फंक्शंस की फॉर्म में अपना प्रोग्राम करते हैं, टाइम कम लगता है अगर हमारे पास एक टीम हो और एक बड़ी एप्लीकेशन पे हम काम करें। उसके अलावा अगर इसमें कोई एरर आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। हमने एडवांटेज देखे फंक्शन के, उसके बाद हमने देखा कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। दो तरह के होते हैं फंक्शन, एक बिल्ट इन होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं पाइथन के अंदर, हम जस्ट उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं और उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जिस तरह का हमने टास्क परफॉर्म करवाना हो। सेकंड हमने देखा यूज़र डिफाइंड फंक्शन, जैसा कि एक हमारे पास फंक्शन है ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, डेफ का कीवर्ड, फंक्शन का नेम, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और कॉलन और उसके बाद फंक्शन की बॉडी। जब हमने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना हो तो हम क्या करते हैं खुद से एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। और लास्ट में हमने उसकी एक एग्जांपल भी देखी कि एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है उसका सिंटैक्स क्या होता है, या उसको किस तरीके से लिखा जाता है, या उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसको किस तरीके से कॉल किया जाता है। हमने ये भी देखा, नेक्स्ट हम देखेंगे मज़ीद इसकी एग्जांपल्स, फंक्शंस को
मज़ीद एलेबोरेट करेंगे हम कि किस तरीके से फंक्शन में हम पैरामीटर्स देते हैं या किस तरीके से वैल्यूज़ पास करते हैं हम अगर हमने नंबर्स पे या स्ट्रिंग्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हों।